दोस्तों, अगर आपको वीकली 3 to 4% का रिटर्न एक्सेप्टेबल है तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप डेली या हफ्ते में पैसा दुगना तीन गुना करना चाहते हो तो ये वीडियो आप मत देखो। तो मेरे ख्याल से वीकली 3 to 4% का रिटर्न बहुत ही रिजनेबल है। जो ऑप्शन सेलर है उनको मालूम है 3 to 4% बहुत लॉजिकल है, ठीक है। तो वो अगर आपको एक्सेप्टेबल है तो ये वीडियो आप पूरा देखो। मैं यहां पर आपको एक वीकली स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसके मदद से आप किसी भी मार्केट सिनेरियो में वीकली 3 to 4% का रिटर्न कमा सकते हो। मैं एक न्यूट्रल स्ट्रेटजी ही दिखाऊंगा, लेकिन मार्केट जब ट्रेंडिंग हो जाती है, जैसे कुछ दिन पहले यहां पर मार्केट बहुत ट्रेंडिंग हो गया, तो ऐसा मार्केट में भी आप यहां पर कंसिस्टेंट 3% का मुनाफा कमा सकते हो। कैसे, मैं पूरा दिखाऊंगा। अगर मार्केट इससे भी ज्यादा ट्रेंडिंग हो गया तो उसमें आपको एडजस्टमेंट्स कैसे करनी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा पूरा बैक टेस्टिंग के साथ। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगा, आप लास्ट तक बने रहना। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव एल बी रॉय। मैं एक शेयर मार्केट कोच, ऑथर और यूट्यूबर हूँ। अगर आप पहली बार हमारे चैनल देख रहे हो, आप डेक्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में ये घंटी दबा देना। तो सीधा हम लोग चलते हैं स्ट्रेटजी की तरफ। मैं बैंक निफ्टी पर ये स्ट्रेटजी बना के दिखाऊंगा, आप चाहो तो इसको निफ्टी पर भी अपना सकते हो। तो मैं सीधा आपको सिमुलेटर पर ले जाऊंगा। ये जो मैं आपको रेंज दिखाया, ये कब का है? ये है लगभग 23 जून से लेके 3 जुलाई तक, 3-4 जुलाई तक ये रैली आया था। तो उसमें भी आप रेंज बाउंड स्ट्रेटजी अगर बनाते फिर भी आपको लॉस नहीं होता, यहां पर भी आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलता। और अगर आप मार्केट रेंज बाउंड हो जाती है, इस तरीके का मार्केट हो जाती है, वहां पर तो कुछ सवाल ही नहीं है, यहाँ पर आपको प्रॉफिट पक्का मिलता। तो मैं बैक टेस्टिंग के लिए ये रेंज ले लेता हूँ, ठीक है, 23 जून से लेके 3 जुलाई तक। तो मैं सिमुलेटर पर ले जाऊंगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ स्ट्रेटजी कैसे डिप्लॉय करनी है। तो हम लोग कब का डेटा देख रहे हैं, 23 जून। और मैं आपको एक बात बता दूं, आपको अगर वीकली स्ट्रेटजी बनानी है तो आपको हमेशा सेकंड हाफ में बनानी चाहिए। 3 बजे के आसपास आपको स्ट्रेटजी डिप्लॉय करना चाहिए। और बीच में अगर बहुत ज्यादा मार्केट ट्रेंडिंग हो गया उस वक्त तो आपको एडजस्टमेंट्स करना ही है, लेकिन एग्जिट आपको कब करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो हम लोग 3 बजे फ्राइडे का दिन, मतलब जब नया एक्सपायरी शुरू होगा नेक्स्ट डे फ्राइडे सेकेंड हाफ को 3 बजे के आसपास हम लोग ये स्ट्रेटजी डेप्लॉय करेंगे। तो मैं 3 बजे ले लेता हूँ। तो स्ट्रेटजी कैसे डेप्लॉय करनी है, आप सबसे पहले स्पॉट देखो। बैंक निफ्टी का स्पॉट है 43,700, तो ये है स्पॉट। तो यहां से सिंपली आप 500 पॉइंट ऊपर एक कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कर दो, ठीक है। एंड नीचे भी आपको यहां से 500 पॉइंट नीचे एक पुट ऑप्शन को शॉर्ट करना है। तो हम लोग 44,200 कॉल ऑप्शन शॉर्ट करेंगे एंड नीचे 43,200 पुट ऑप्शन को शॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या स्ट्रेटजी बना, ये हो गया आपका शॉर्ट स्ट्रैंगल, है कि नहीं। लेकिन शॉर्ट स्ट्रैंगल तो अनलिमिटेड लॉस बियर करती है कि नहीं, इस तरीके का है। तो हम लोग लॉस जो है अनलिमिटेड तो नहीं रख सकते, क्योंकि कैपिटल प्रोटेक्शन के बारे में सबसे पहले आपको सोचना चाहिए, उसके बाद प्रॉफिट, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको शॉर्ट कर देते हैं, बाद में मैं आपको दिखाता हूं कैसे आपको इसको हैच करना है, ठीक है। तो ये अप साइड में इसको हम लोग शॉर्ट किया, तो दोनों साइड शॉर्ट हो गया, ये हो गया शॉर्ट स्ट्रैंगल। तो क्योंकि हमें हैच करना है, ये जो अनलिमिटेड लॉस है इसको मिनिमाइज करना है, तो हम लोग नेक्स्ट वीक में, ये है 28 जून एक्सपायरी, सो नेक्स्ट जो एक्सपायरी होगा 6 जुलाई, उसका हम लोग सेम ऑप्शंस पर एक एक ऑप्शन को बाय करेंगे सेम स्ट्राइक का। सो 43,200 का पुट ऑप्शन हम लोग शॉर्ट किया, तो यहां पर हम लोग इसको बाय करेंगे, ठीक है। नीचे पुट ऑप्शन बाय किया एंड अपसाइड में यहां पर फिर से हम लोग एक कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। तो ये जो स्ट्रेटजी बना, ये स्ट्रेटजी आपको शायद मालूम होगा, ये हो गया आपका डबल कैलेंडर, है कि नहीं। लेकिन इसको कैसे डेप्लॉय करनी है और प्रॉफिट कब बुक करनी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एडजस्टमेंट्स, ठीक है।
अगर मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो गया उस टाइम आप फिर हाथ में हाथ रख के नहीं बैठ सकते, है कि नहीं। एंड इसमें मजे की बात यह है, देखो यहां पर आपने शॉर्ट किया दो ऑप्शंस को, फिर भी मार्जिन देखो कितना है, सिर्फ 58,000 का। तो ये स्ट्रेटजी का ये एक खासियत है, ठीक है। तो एनीवे स्ट्रेटजी तो हम लोग का बन गया है। यहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट देखो कितना है, मैक्सिमम प्रॉफिट है 2,900 का, लगभग 3,000, और मैक्सिमम लॉस है 6,600। लेकिन ये जो मैक्सिमम लॉस है ये कभी नहीं होगा, मतलब बहुत ही लिस्ट चांस है कि आपको ये लॉस मिलेगा। तो स्ट्रेटजी तो बनाया, लेकिन आपको प्रॉफिट कब बुक करना है। ये जो डबल कैलेंडर होता है ना, इसका प्रॉफिट बुकिंग का फंडा बहुत सिंपल है। ये जो मैक्सिमम प्रॉफिट है ना, मैक्सिमम प्रॉफिट देखो कहां पर मिलेगा, ये दो पॉइंट पर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, जिस जगह पर आपने ऑप्शंस को शॉर्ट किया। लेकिन इतना पिन पॉइंट करना तो मुश्किल होगा, है कि नहीं। तो इसलिए आपको क्या करना है, जो मैक्सिमम प्रॉफिट है इसका आप 50% मान लो। सो 3000 मैक्सिमम प्रॉफिट है, जब भी आपको 1,500 का प्रॉफिट मिलेगा, ज्यादा लालची मत होना, यहां पर आप ग्रेसफुली इसको बुक कर देना, ठीक है। तो ये एक बहुत सिंपल सा एग्जिट स्ट्रेटजी है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूं बैक टेस्ट करके। सो ये जो ट्रेंडिंग मार्केट था यहां पर जो मैंने आपको दिखाया, सो ऐसा ट्रेंडिंग मार्केट में भी आपको प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी है डबल कैलेंडर, ये रेंज बाउंड मार्केट का स्ट्रेटजी होता है। तो मार्केट तो यहां पर रेंज बाउंड नहीं था, फिर भी देखते हैं हमें प्रॉफिट मिलता है कि नहीं। तो मैं सीधा दो घंटा एडवांस कर देता हूं। सो दो घंटा एडवांस मतलब यहां पर नेक्स्ट डे 11 बजे का आसपास, 10:45 बजे हमें लॉस दिख रहा है। फिर से दो घंटा कर देते हैं, लॉस में ही है। आप टेंशन मत लो, क्योंकि आपने ऑप्शन शॉर्ट किया, आपका मेन ऑब्जेक्टिव शॉर्ट ऑप्शन से ही पैसा कमाना है, तो उसके लिए प्रीमियम डीके होना पड़ेगा। और प्रीमियम डीके कैसे होगा, टाइम के साथ, है कि नहीं। तो आपको टाइम देना पड़ेगा, वो पेशेंस आपको रखना है, ठीक है। तो यहां पर माइनर सा लॉस है, जब तक ये जो ब्रेक इवन है, ये ब्रेक इवन ब्रेक ना हो तब तक हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, एडजस्टमेंट्स नहीं करेंगे। एंड ब्रेक इवन देखो कहां पर है, अप साइड में है 44,500 एंड डाउन साइड में है 43,000। सो 1,500 पॉइंट्स का एक रेंज है, और बैंक निफ्टी एक हफ्ते में इतना बड़ा मूवमेंट बहुत ही रेयर देगा, ठीक है। ये जो मैंने आपको मूवमेंट दिखाया, ये बहुत ही रेयर मूवमेंट है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा साइडवेज ही रहेगा। तो वैसे में आपको कैसे मैनेज करना है स्ट्रेटजी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो जब तक ये ब्रेक इवन ब्रीच ना हो, अपसाइड में 44,500 डाउन साइड में 43,000, तब तक हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना। ओके, फिर से दो घंटा एडवांस लॉस ही है, देन अगेन दो घंटा एडवांस लॉस है, यहां पर लॉस अभी थोड़ा कम हो गया। ओके, अभी देखो थोड़ा सा प्रॉफिट मिलना चालू हुआ 27 जून, और एक्सपायरी है नेक्स्ट डे को, ठीक है। नेक्स्ट डे मतलब एक्सपायरी का दिन, जो ऑप्शन का प्रीमियम डीके, ये फास्ट कब होता है, सेकंड हाफ में 12:01 बजे का बाद। तो हम लोग 12:01 बजे का बाद ही यहां से एग्जिट करने के बारे में सोचेंगे, उससे पहले नहीं, ठीक है। सो 3 से लेकर 3:15 के बीच में अगर आप एग्जिट करते हो, तो वहां पर ज्यादा प्रॉफिट मिलने की चांसेस होता है, क्योंकि एकदम लास्ट मोमेंट में थीटा डीके बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है। तो हम लोग 3 बजे तक तो रुकेंगे यहां पर, अगर उससे पहले ये ब्रेक इवन ब्रिज हुआ तो वो अलग बात है, लेकिन जब तक ये ब्रेक इवन ब्रिज ना हो तब तक हम लोग 3 बजे तक रुकेंगे। सो अनदर 2 आवर्स एडवांस करेंगे। नेक्स्ट डे सुबह देखो थोड़ा सा प्रॉफिट मिलने लगा, तो सुबह तो हम लोग एग्जिट नहीं करेंगे, हम लोग रेंज में ही है, ठीक है, ब्रेक इवन ब्रिज नहीं हुआ। सो 3 बजे का आसपास हम लोग एग्जिट करने के बारे में सोचेंगे। देखो 2:15 बजे यहां पर 700-800 रुपए का प्रॉफिट हमें दिख रहा है, तो और थोड़ी देर हम लोग वेट करेंगे 3 बजे तक। सो अभी हम लोग 1/2 आवर एडवांस करके देखते हैं, अभी थोड़ा प्रॉफिट कम हो गया है, कोई इश्यू नहीं है 3 बजे का बाद। ओके, अभी देखो 318 हो गया, तो आप 3 से 3:15 के बीच में एग्जिट कर सकते हो, मैं 3:15 ले लेता हूं, ठीक है। तो यहां पर तो आपको कितना 1300 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है, तो लगभग हम लोग का जो टारगेट है उसके आसपास ही है, और थोड़ी देर पहले 10-15 तक देखते हैं हमें कितना प्रॉफिट मिलता है। ओके, 2000 का, बढ़िया है।
तो आपको यहाँ पर आराम से हम लोग का जो टारगेट है वो मिल जाता है कि नहीं। देखो ऐसा ट्रेंडिंग मार्केट में भी आपको आपका टारगेट अचीव हो रहा है तो ये सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पर अगर आप आरओआई कैलकुलेट करोगे ये लगभग 3 से 3.25 के आसपास आएगा। सो आपका कैपिटल डिप्लॉय कितना हुआ था 58,000 और आपको प्रॉफिट कितना मिल रहा है 2,000 का। आप 1,500 मान लो, 1,500 पकड़ने से 2.5 से 3% का आसपास आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट होता है। तो अभी मैं आपको बता दूं, अगर ये ब्रेक इवन ब्रीच होता है तो फिर आपको स्ट्रेटजी कैसे मैनेज करनी है, ठीक है। मान लो एक्सपायरी के दिन या उसका अगला दिन कभी भी अगर ये ब्रेक इवन ब्रेक होता है अप साइड में या डाउन साइड में, तब फिर आपको एडजस्टमेंट्स पर उतरना है। आपको क्या करना है, देखो कॉल ऑप्शन जो शॉर्ट किया वो यहां पर है, ठीक है, 44,200 ये वाली कॉल ऑप्शन आपने शॉर्ट किया। तो यहां पर जो आपने पुट ऑप्शन शॉर्ट किया वहां पर तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, ये जो पुट ऑप्शन पेयर है, ठीक है, आपको सिर्फ एक ऑप्शन से ही एग्जिट नहीं करना है, पूरा पेयर से, मतलब जो करंट एक्सपायरी का पी शॉर्ट है तो यहां से आपको एग्जिट करना होगा, ठीक है, एग्जिट। एंड जो पी लॉन्ग है जो कि नेक्स्ट एक्सपायरी में है तो उसको भी आपको एग्जिट करना होगा, ठीक है, दोनों से आपको एग्जिट करना है। ये दोनों पैर से आपने एग्जिट किया एंड सिंपली आप क्या करो, जो कॉल ऑप्शन है 44,200 इस जगह पर आप इसको एक पुट ऑप्शन शॉर्ट कर दो, ठीक है, पुट ऑप्शन शॉर्ट कर दो, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक नेक्स्ट एक्सपायरी में पी को बाय भी करना होगा, क्योंकि यहां पर आपने एग्जिट किया एक पैर से, तो जब नया स्ट्रेटजी आप बनाओगे वहां पर फिर से आपको पैर ही बनाना होगा, ठीक है ना। तो ऐसा करने से आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो फर्दर ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। तो ऐसे आपको इसको एडजस्ट करना है। एंड अंत में मैं आपको बता दूं, अगर आप किताब पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, रिसेंटली मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर एक किताब लॉन्च किया था, भगवत गीता ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। अगर आप नए ट्रेडर हो या इंटरमीडिएट ट्रेडर हो तो ये किताब बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिक से लेके एडवांस ऑप्शन एडजस्टमेंट्स भी बताया गया है। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग, यहाँ पर सिर्फ एडजस्टमेंट्स वैसे ही नहीं बताया गया, जैसे ये डबल कैलेंडर का एडजस्टमेंट्स है तो यहाँ पर पे ऑफ के साथ साथ पूरा कैलकुलेशंस भी दिखाया गया है। यहाँ पर देखो ये जो ओल्ड स्ट्रेटजी है इसका पे ऑफ का जो कैलकुलेशन है वो तो है ही, ऊपर से जो एडजस्टमेंट्स के बाद नया स्ट्रेटजी हुआ उसका कैलकुलेशंस कैसे होगा और ये जो पे ऑफ है वो क्यों वैसा होगा उसका पूरा कैलकुलेशंस यहाँ पर बताया गया है। तो अगर आप इन डेप्थ जानना चाहते हो एडजस्टमेंट्स के बारे में तो मेरे ख्याल से ये किताब आपका काम का होगा। और इसके अलावा ऑप्शन ट्रेडिंग का ऊपर और दो किताब है, एंड टोटल मेरा 4 किताब है एंड ऑल द बुक्स आर अवेलेबल ऑन अमेजन। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये किताब कंसिडर कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक और शेयर करना, और हम लोग का जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।